हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। इस देश में ओबीसी समाज की जनगणना होना चाहिए, और ये इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से आरएसएस हम ओबीसी वर्ग को लड़ाने का काम करता है, कभी कहता है देखिए यहाँ पे यादव को टिकट दे दिया गया है, कभी कहता है यहाँ पे साहू को नहीं दिया है, कभी कहता है यहाँ पे कुर्मी को नहीं दिया है, और हमारे लोगों को लड़ाता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर जब तक जाति का जनगणना नहीं होगी, ओबीसी समाज के अंदर भाईचारा स्थापित आरएसएस करने नहीं देगा साथियों। इसलिए हमें जाति का जनगणना करानी पड़ेगी, और ओबीसी महासभा लगातार पूरे देश के अंदर लाखों ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन ये लोग मीडिया वाले कहते हैं बार बार ये मोदी जी ओबीसी है, मोदी जी ओबीसी है। तो मुझे मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की, जबकि यही जब सरकार में नहीं थे तो इनके मंत्री जो मंत्री हैं इनके ये कहते थे कि इनकी गणना होना चाहिए। इनका ये दोगलापन हमें 2024 में और मध्य प्रदेश में 2023 में खत्म करने का काम करना है साथियों। जब तक जनगणना नहीं होगी, हम आने वाले समय में ये शपथ दिलाने का काम करेंगे कि हम सवर्णों को वोट देने बिल्कुल नहीं देंगे, ओबीसी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि आप सभी लोग अब ये अपने जाति की लड़ाई लड़ना बंद कर दीजिए, वर्ग में आइए, और वर्ग में जाओगे तो ये आरएसएस मनुवादी लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आरएसएस में लोग सिर्फ सिर्फ ओबीसी एसटी के लोग झंडा उठाते हैं, दरी चढ़ाई झंडा उठाने काम करते हैं, और हमारे जितने भी नेता वहाँ पे जो आरएसएस के द्वारा बने हुए हैं वो आरएसएस की प्रयोगशाला से बने हुए हैं, इसलिए सदन में संसद में कहीं भी हमारी बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान।